अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में चार प्रश्न दिए हुए हैं, चार भाग हैं इसके, इसका भी गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए पहला और चौथा एक जैसे है, इसलिए हम पहले और चौथे को पहले बता देते हैं, फिर दूसरा और तीसरा बताते हैं। तो पहले प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में लिखा है -2x² -x+2। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। देखिए शुरू के दो पद में और अंतिम दो पद में उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो देखिए इन दोनों में यक्ष के बाद 3 बार लिखा है, यहाँ यक्ष 2 बार लिखा है, तो 2 बार तो दोनों से बाहर निकाला जा सकता है। तो यहाँ लिखते हैं x², देखिए बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ 3 बार था, 2 बार बाहर चला गया, तो यहाँ कितना 1 बार बचेगा। माइनस यहाँ देखिए x² पूरा चला गया, केवल 2 बचा, तो यहाँ हम 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक ना, तो यहाँ 1 हम लिख लेते हैं, ठीक ना। 1 हर किसी का एक उभयनिष्ठ होता ही है, इसलिए हम यहाँ पर देखिए क्या बचा, यहाँ x बचा। चूँकि ब्रैकेट के पहले माइनस लगाया है तो प्लस का ये माइनस हो जाएगा, और 2 का 2 बच गया। यहाँ पर देखिए दोनों कोष्टक में सेम आ गया, उनको हम एक बार लिख लेते हैं। यक्स माइनस 2 यहाँ लिख लिया, और इसको लिखते हैं x² - 1, ठीक ना। अब देखिए यहाँ तक तो गुणनखंड हो गया, मगर इस पद का आगे भी गुणनखंड हो सकता है, इसलिए हम इसको और आगे गुणनखंड करते हैं। तो देखिए ये वाला हम एक सूत्र लगाएंगे, तो देखिए ये होता है सूत्र x² - y². देखिए फॉर्मूला ही होता है, तो इसमें क्या होता है, अगर इसका स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर लगा है तो इसका फॉर्मूला होता है x+y और x - y, ये सूत्र होता है, ठीक ना। मतलब एक एक कोष्टक में दोनों को जोड़ के लिखते हैं और एक कोष्टक में दोनों को घटा के लिखते हैं। तो हम इसको इस तरह बनाएंगे, x-2, देखिए ये तो बना हुआ है, इसको लिख सकते हैं हम x²- 1² 2। 1 का घात 2 लगाएंगे तो घूमकर फिर 1 का वर्ग 2 बार करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, इसलिए हम 1 को 1² लिख सकते हैं। अब लिखा x-2, अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया है ना, x² - y² दोनों को जोड़कर और एक बार घटा के लिखेंगे। देखिए ये रहा x, ये रहा y, लिखेंगे x+1 और x-1। तो देखिए इसका ये गुणनखंड हो गया। अब ये चाहे इसको आगे लिख लीजिए चाहे उसको पीछे लिख लीजिए, मगर आंसर ये बिल्कुल सही है, x+1, x-1 और x-2 लिख लिया, ठीक ना। तो ये पहला भाग हो गया, इसी प्रकार ये तीसरा भाग भी है, चौथा भाग है। तो पहले चौथा भाग भी खत्म करा देते हैं यहीं पर। तो चौथा भाग देखते हैं, देखिए लिखा है 2y³ + y² - 2y - 1 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या एकदम देखिए सेम चीज लिखा हुआ है, y², y³, तो हमको y², तो बाहर निकल जाएगा, तो ये निकाल लिया। यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 2 बचा, यहाँ 3 बार था, 2 बार चला गया तो 1 बच गया, और y²² पूरा चला गया तो यहाँ 1 बच गया, है ना। y² पूरा चला गया तो यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ पे कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है तो हम यहाँ 1 ले लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ बचेगा 2y, और ब्रैकेट के पहले माइनस ले लिया है तो माइनस का ये +1 हो जाएगा। तो देखिए दोनों कोष्टक में सेम आ गया, उसको लिख लेते हैं 2y+1, और इसको लिखेंगे y²-1। देखिए यहाँ पर x²-1 आया था, यहाँ y²-1 आया है, तो इसमें भी फॉर्मूला लगा लेते हैं 2y+1, और इसको लिख सकते हैं हम लोग y²-1 का स्क्वायर, ठीक ना। तो इससे क्या हो जाएगा 2y+1, और इसमें सूत्र है वो लिख देते हैं यहाँ पर भी, यहाँ लिख लेते हैं x²-y² = x+y और x-y। तो यहाँ लिखेंगे y+1 और y-2, y+1 और y-1। तो इसको पहले लिख ले, पहले लिखिए बाद में लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये ना ये हो गया, और ये 2y+1। तो ये
पहला और तीसरा भाग हो गया, अब पहला और चौथा भाग हो गया, अब दूसरा भाग देखते हैं इसका। अब देखिए ये है दूसरा भाग। दूसरा भाग में लिखा है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब देखिए इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं निकलेगा, चार पद लिखा जरूर है मगर कोई उभयनिष्ठ नहीं निकलेगा। अगर हम इसमें से निकालेंगे तो इस पद में जो कॉमन निकालेंगे उसमें दोनों में अंदर का चीज़ सेम नहीं आएगा। तो इसको हम पूरा, इस पर हम यक्स का कोई ऐसा मान रखेंगे जिस मान पर ये मान, इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, ठीक ना। तो हम इसमें यक्स का मान 0 रख के देखेंगे, ठीक ना। अब इसको हम पी एक्स भी ले सकते हैं, पी एक्स ले लिया। अगर यक्स का मान 0 रखेंगे, फिर यक्स का मान 1 रखेंगे, यक्स का मान -1 रखेंगे, ठीक ना, इस प्रकार रखेंगे। और जिस मान पर ये शून्य हो जाए तो हम उसका मान लेंगे कि वही एक गुणनखंड होगा। तो हम इसमें यक्स बराबर -1 रख के चेक करते हैं। पहले यक्स बराबर -1 रखने पर, तो -1 रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, -1 के घात 3 -3, -1 के घात 2 माइनस, ये -1 रख दिया, ठीक ना। अब इसको हल करते हैं। देखिए -1 के घात 3 है, इसका मतलब ये विषम संख्या घात पर है तो ये -1 आ जाएगा। माइनस ये सम संख्या है तो 1 हो जाएगा। 9 एक कम 9 और 2 माइनस मिलने के कारण प्लस हो गया। 3 एक कम 3 प्लस 9 माइनस 5। देखिए जितने भी माइनस वाले हैं उसको माइनस लगा के चिन्ह जोड़ देते हैं। देखिए 5 3 8 1 9 प्लस, ये 9 बच गया, 9 लिख लिया, 9 में 9 हो गया, 0 हो गया। इस प्रकार हमको ये प्राप्त हुआ x बराबर -1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है। तो लिख सकते हैं इससे x प्लस 1 है ना, पक्ष अंदर करेंगे बराबर 0 करेंगे तो x प्लस 1 आ जा गया। तो x प्लस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक ना। तो यदि गुणनखंड है तो यदि हम इसको भाग देंगे इस x प्लस 1 से तो इसका भाग पूरी तरह चला जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे भाग कर लेते हैं, x प्लस 1 से हम इसको भाग दे रहे हैं। x क्यूब माइनस 3x², इसको यहाँ भाग दे लेते हैं, अच्छा रहेगा वहाँ पर। ये रहा x प्लस 1 और x क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ठीक ना। तो अब क्या भाग कैसे करते हैं उसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, पहले का पहले से भाग देते हैं, ठीक ना। पहले पद को पहले पद से भाग देते हैं। देखिए भाग किस तरह देते हैं, यदि x के घात 3 को x से भाग दे दीजिए, x के घात 3 को x से भाग देंगे तो इसमें से एक x कम हो जाएगा, ठीक ना, मतलब एक कट जाएगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं, x गुड़े एक्स बटे एक्स, है ना। तो एक x कट गया तो एक्स स्क्वायर बचा, तो भाग दे रहे हैं तो घात एक कम हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक ना। तो ये आया x के घात 2। अब देखिए अगर इसका गुणा इसमें, अब जो आया ना इसका इन दोनों पदों में गुणा किया जाता है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 और 1 3, ये x के घात 3 तो प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। इसका गुणा जब इसमें आप करेंगे तो 1 का x² करेंगे तो 1x² बचेगा, 1x² आ गया, ठीक ना। यहाँ लिख लिया, अब घटाते हैं, है ना, भाग जिससे करते हैं अंकों का गुणा करके फिर इसको घटाते हैं, तो घटाएंगे तो ये माइनस लगा दिया, चिन्ह बदल जाता है, ठीक ना। ये वाला सेम चीज़ है, देखिए कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, -3 और -1, है ना, ये +1 नहीं है, ये -1 है। तो -3 -1 माइनस 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 अंक जुड़ जाएगा, तो 3 और 1 ये 4 आ गया, ठीक ना। 3 और 1 4, माइनस 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 अंक जुड़ गया, ये जैसा था वैसे लिख लिया, ये पहला चरण समाप्त हो गया।
दूसरे बार भी यही काम करेंगे, पहले को पहले से भाग देंगे, ठीक ना। तो देखते हैं, देखिए पहले को पहले से भाग दिया, सॉरी ये रहा x, तो इसमें से देखिए एक x तो कट जाएगा, बस माइनस फोर एक्स बच जाएगा, ठीक ना। तो हम यहाँ माइनस फोर एक्स लिख लेते हैं, और देखिए इसमें जो भी हम यहाँ लिखते हैं इसका पहले इन दोनों पदों में गुणा ही करते हैं, और जो आता है यहाँ लिखते हैं हम लोग। जब इसका गुणा इसमें करेंगे, देखिए माइनस फोर और एक्स गुणे एक्स एक्स स्क्वायर, तो पहला पद ये प्राप्त ही हो जाता है ये, ठीक ना। बस इस दूसरे पद में से गुणा करके लिखना पड़ता है हमको, तो चार एकम चार और माइनस चार एक्स, ठीक ना। इसका गुणा ही इसमें करते हैं इन दोनों पदों में, तो एक गुणा इसमें करेंगे तो वही चीज प्राप्त होगा, सीधी सीधी बात करें तो, ठीक ना। एक गुणा इस माइनस फोर एक्स में करेंगे तो माइनस फोर एक्स ही प्राप्त हो जाएगा। अब चिन्ह बदलते हैं, तो चिन्ह बदलेंगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस हुआ, ठीक ना। तो अब देखिए क्या आया, माइनस नाइन प्लस फोर, ठीक ना, माइनस नाइन प्लस फोर, ये माइनस फोर अब नहीं रह गया। तो जब इसको हल करेंगे तो नौ में चार गया पाँच, अब बड़ी संख्या माइनस तो माइनस लगा लिया, तो इस प्रकार ये माइनस फाइव एक्स प्राप्त हुआ, और ये माइनस फाइव था उसको नोट कर लिया। तो अब देखिए पहले को पहले से, है ना, दो चरण खत्म, अब तीसरा चरण कर रहे हैं, तो पहले को पहले से भाग देंगे। देखिए माइनस फाइव एक्स को एक्स से भाग दिया है ना, इसको इससे भाग देंगे तो ये माइनस फाइव बचेगा, तो ये माइनस फाइव हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए जब इस माइनस फाइव का गुणा एक्स में करेंगे, दोनों पद में गुणा करते हैं, माइनस फाइव का गुणा एक्स में करेंगे तो ये माइनस फाइव प्राप्त हो जाएगा, और एक गुणा माइनस फाइव में मतलब वही माइनस फाइव ही प्राप्त हो जाएगा। जब घटाएंगे चिन्ह बदलेंगे, कट गया ये, प्लस किया ये कट गया, तो शेष फल देखिए जीरो आ गया। तो ये प्राप्त हुआ हमको, देखिए जो भागफल प्राप्त हुआ उसको हम लोग फिर से गुणनखंड करना है। देखिए दो पद में हम गुणनखंड कर सकते थे, तीन पद में गुणनखंड नहीं कर सकते थे, इसलिए हमको ये विधि अपनानी है। तो अब देखिए क्या प्राप्त हुआ हमको, पी एक्स बराबर, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमको ये भाज्य प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। तो इस भाज्य को, इस भाज्य को जो पी एक्स है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। तो देखिए एक्स प्लस वन तो ऐसे ही लिखा हुआ है, अब हम इसका एक गुणनखंड कर लेते हैं, यहाँ पर गुणनखंड करने के बाद उसको फिर वहीं लिख देंगे, ये रखा ये गुणनखंड। तो क्या करेंगे, देखिए पाँच, अब इसको गुणनखंड जैसे हमने पहले इसके प्रश्न नंबर चार में जैसे गुणनखंड किया था ऐसे गुणनखंड हम यहाँ पर करेंगे। देखिए पाँच और यहाँ एक होता है, तो पाँच एकम पाँच, तो पाँच ही प्राप्त हुआ। तो पाँच का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने और घटाने पर माइनस चार प्राप्त हो। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं पाँच एकम पाँच, है ना, इससे अधिक कोई गुणनखंड होगा नहीं। तो पाँच एकम पाँच आया, तो पाँच और एक आया, इसको अगर हम घटा दें तो चार प्राप्त हो जाएगा, मगर हमको माइनस चाहिए, मतलब उल्टा घटा देते हैं, वन में से पाँच घटा देते हैं तो माइनस चार आ गया, है ना। छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो इसके, अब इसके स्थान पर हम वो लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, वन में से फाइव एक्स माइनस फाइव, ठीक ना, ये वन होता है। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें केवल एक एक्स कॉमन है, दोनों में एक्स है, यहाँ बचा एक एक्स, यहाँ एक्स बाहर ही चला गया तो यहाँ बचा वन, यहाँ देखिए माइनस फाइव बाहर चला गया तो यहाँ बचा एक्स, बाहर ब्रैकेट के पहले माइनस ले लिया तो ये प्लस वन हो गया, है ना। पाँच एकम पाँच दोनों कोष्टक में सेम आ गया, तो लिख सकते हैं एक्स प्लस वन, और ये लिख सकते हैं एक्स माइनस फाइव। तो देखिए इस पी एक्स का क्या गुणनखंड प्राप्त हुआ, तो लिखेंगे पी एक्स बराबर, देखिए ये रहा एक एक्स प्लस वन, और ये देखिए इसको तोड़ा है तो ये आया है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन और एक्स माइनस फाइव। अब चूंकि ये सेम चीज़ लिखा हुआ है तो इसको घात दो भी लिख सकते हैं, या तो उतना भी लिख कर छोड़ सकते हैं, ये रहा दो लिख लिया एक्स माइनस फाइव। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर पाँच का दूसरा भाग हो गया, और एक तीसरा भाग है उसको भी देखते हैं। अब तीसरा भाग देखते हैं, इसका तीसरा लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस तेरह एक्स स्क्वायर प्लस बत्तीस एक्स प्लस बीस, ठीक ना। तो
इसमें भी मान रखेंगे हम लोग यक्स का मान रखेंगे, तो हम यहाँ भी यक्स बराबर माइनस वन रख लेते हैं, इस पर मान जीरो जीरो हो जा रहा है। हम इसको अब पी एक्स ले लेंगे बराबर, तो यक्स माइनस माइनस वन रख के देखते हैं, इसमें यहाँ माइनस वन हो गया, तेरह माइनस वन स्क्वायर बत्तीस माइनस वन प्लस ट्वेंटी, ठीक ना। तो ये जाएगा विषम संख्या लिखी है तो ये माइनस वन रह जाएगा, ये सम संख्या है तो तेरह एकम तेरह हो जाएगा और बत्तीस एकम बत्तीस और एक माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, माइनस एक तेरह एकम तेरह माइनस बत्तीस प्लस बीस, इसमें जितने भी प्लस वाले हैं उनको जोड़ लेते हैं, ये रहा प्लस और ये रहा प्लस, बीस तीस तैंतीस, ठीक। और माइनस बत्तीस माइनस एक माइनस 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 अंक जुड़ जाएगा, बत्तीस और एक तैंतीस, तो तैंतीस में गया जीरो, ठीक। तो जीरो आ गया तो लिखेंगे अतः, माइनस वन है अंदर पक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे यक्स प्लस वन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, ठीक ना। अगर होगा तो अब इसका भाग दे देते हैं इसी में, तो देखिए भाग देते हैं यहां पर एक्स प्लस वन और एक्स क्यूब प्लस तेरह एक्स स्क्वायर प्लस बत्तीस एक्स प्लस बीस। तो इसमें भी यही करेंगे, पहले का पहले भाग करते हैं, देखिए इसको आप यहाँ करिएगा, ठीक ना। तो पहले को पहले में भाग करेंगे तो x के घात तीन में x के घात दो का भाग करेंगे तो यहाँ पर x के घात दो बचेगा, है ना, एक घात कम हो जाएगा, तो लिख सकते हैं x के घात दो। तो ये पहला पद तो प्राप्त हो ही जाता है, ठीक ना, मतलब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो x के घात तीन प्राप्त हो जाएगा, एक एक का गुणा इसमें x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही रह जाएगा, तो एक x स्क्वायर लिख लिया। अब चिन्ह बदल देंगे, ये चिन्ह बदला ये चिन्ह बदला तो ये कट गया, और तेरह में एक माइनस होगा, ठीक ना, थर्टीन माइनस वन तो हो गया ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, और जो भी ये बचा उसको यहाँ लिख लेते हैं बत्तीस एक्स प्लस बीस। ये पहला स्टेप ख़त्म। अब फिर भी दूसरे बार में भी यही करेंगे, पहले को पहले से भाग करना है, बारह एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग देना है, तो ये बारह एक्स बचा तो यहाँ लिखेंगे 12x। तो 12x में x का करेंगे तो 12x स्क्वायर हो जाएगा, एक x बढ़ जाएगा, और 12x में एक का गुणा करेंगे तो 12x ही बचेगा, तो ये हो गया 12x। चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह बदल लिया तो ये तो कट जाएगा, सेम चीज़ है, चिन्ह उलट के लिख दिया, 32 में 12 गया 20 आ गया, और ये प्लस 20 लिखा हुआ है, ठीक ना। फिर ये काम करेंगे, दो स्टेप ख़त्म। अब तीसरा स्टेप में भी करेंगे, पहले का पहले से भाग देंगे तो लिखा 20x में x से भाग देंगे तो कट गया तो 20 बचा, तो लिखेंगे प्लस 20। तो 20 का गुणा x दोनों पदों में करते हैं तो 20 गुणा x में करेंगे तो ये 20x आ जाएगा, और 20 एक कम ये 20 आ गया, चिन्ह बदला ये कट गया, ये जीरो आ गया, ठीक ना। तो अब हम इसको लिखेंगे, लिखेंगे पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस बारह एक्स प्लस बीस, ठीक ना। अब इसको हम ब्रेक करेंगे जैसे प्रश्न नंबर चार में ब्रेक किया था, तो लिखेंगे पहले यहाँ ब्रेक करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बारह एक्स प्लस बीस। तो 20 का ब्रेक करेंगे तो लिख सकते हैं इसको, ये हो गया, इसको करेंगे देखिए 10 दूनी 20 कर लेते हैं, ठीक ना, 10 दूनी 20, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसा गुणनखंड किया। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टेन एक्स प्लस
ट्वेंटी। देखिए शुरू के दो पद में केवल x उभयनिष्ठ है, तो x लिख लेते हैं यहाँ पर, x यहाँ बचा x, यहाँ बचा केवल 2, यहाँ 10 बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, तो इसलिए 2 बच गया, यहाँ पर 10 चला गया तो केवल x बच गया। x प्लस 2 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में x प्लस 10, तो लिख सकते हैं अतः पी एक्स बराबर क्या क्या गुणनखंड आ गया, एक ठो x प्लस 1 आया है, लिखेंगे x प्लस 1 और एक बचा x प्लस 2 आया और ये x प्लस 10 आया, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 के सभी भाग हो गए, तो ये प्रश्नावली समाप्त हो गई।